सामे की चावल की खिचड़ी बनाने के लिए हमने क्या लिया है देख लेते हैं। साथ ही मैंने आधा कप सामे के चावल लिए हैं, इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। आधा कप हमने कच्ची मूंगफली, साथ ही एक मीडियम साइज का आलू लिया है, इसको बारीक काट लिया है। एक टमाटर, इसको भी बारीक काट लिया है। और एक हरी मिर्च, इसको भी बारीक काट लिया है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा और नमक ले लिया है और थोड़े से हरे धनिए। साथ ही हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें एक चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली। ये मूंगफली कच्ची है तो हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने से इसका टेस्ट है जो बहुत अच्छा आता है और इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती है। तो मूंगफली ये जो हमारी अच्छे से भून गई है तो हम इसको बाहर निकालेंगे और इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच सरसों यानी राई। दोनों को थोड़ा सा चटकने देंगे। दोनों चटक जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे ये आलू। आलू को हम थोड़ा सा तेल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू थोड़े से फ्राई हो जाए तभी हम इसमें डाल देंगे ये मिर्ची और टमाटर। आप अपने मन पसंद यहाँ पे और भी कोई भी सब्जी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं जो कि व्रत में खा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। कई लोग होते हैं जो व्रत के अंदर प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, लेकिन आप प्याज खाते हो तो इसमें प्याज डाल सकते हो। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक ले लिया है और चुटकी भर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर हम इसमें नहीं डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे ताकि मसाले हैं जो अच्छे से पक जाए और इनका कच्चापन निकल जाए। अभी इसमें डाल दूंगी मैं ये सामा। इसको मैंने आधे पौन घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये पकने में थोड़ा जल्दी पक जाता है और थोड़ा सा फूल भी जाता है, जिससे ये खिचड़ी है जो बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसे डायरेक्ट धो के भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। मैंने एक कप के करीब ये सामा लिया है तो मैं इसको दो कप पानी डाल दूँगी इसमें। जितना आप सामा लेते हैं उसका डबल पानी डाल देना होता है हमें, ये एकदम परफेक्ट होता है जब तक खिचड़ी पूरी पक जाती है। और यदि आपके बाई चांस पानी कम हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी नहीं डालना है। ढक्कन लगा के हमने इसको 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये देखिए पानी है जो काफ़ी सूखने लग गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा हाथ से दबा के चेक कर लेंगे कि अच्छे से मैश हो रही है, तो हमारी खिचड़ी पक के तैयार है। यदि थोड़ी सी कड़क लगे तो हम इसे और पका लेंगे, लेकिन ये मेरी खिचड़ी है जो एकदम पक के तैयार है, एकदम सही है। अभी हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली जो हमने भून के रखी थी पहले से, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है, हमारे शरीर के लिए सही रहती है। अभी हम इसमें डाल देंगे हरे धनिए। एक बार आप ये खिचड़ी ज़रूर ट्राई करें। एक दिन आप ये बनाएंगे तो पूरे 9 दिन तक ये बना के खाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको दही के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ खाइए बहुत ही अच्छी लगती है, या फिर इसको ऐसे ही घी डाल के थोड़ा सा खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी बन के तैयार है। इसको हमने एक बर्तन के अंदर सर्व कर लिया है। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये लीजिए हमारी सामे के चावल की खिचड़ी बनके तैयार है। आप भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी खिचड़ी कैसी बनी है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।